जैसा कि क्लास 10 का पेपर हुआ, सेक्शन सी का हम आंसर बताएंगे, इसके बाद फिर सेक्शन डी और सभी बता देंगे। बाद आर वीडियो के माध्यम से आपको आर सेक्शन बता दिए जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, सेक्शन सी दिया हुआ, क्या फिल इन द ब्लैंक्स आपको बनना है, क्या पहला ही टू स्कूल डेली, तो इसमें क्या आया, गो आएगा फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नम्रता इज गोइंग ए न्यू मोबाइल फोन, तो इसका क्या है, टू बॉय ए न्यू मोबाइल फोन। थर्ड वाला है कि व्हेन दे रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड अर्ली डी, तो इसमें क्या लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि रुचि वाज वेरी टायर्ड सो सी टू बेड अर्ली, तो इसमें क्या वेंट हो जाएगा। इसके बाद हाई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1987, ठीक है, तो इसमें क्या टीचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग, तो इसमें क्या यूज टू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यूज टू को प्रयोग करते हैं। ये एन एम एल सभी को पता है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सी आपको ये पांच नंबर में दी रहती हैं, सेक्शन सी में दो रहती हैं, पर तीन इधर आपको ट्रांसलेट करना होता है। ये पहला दी कि सी स्टडीज हार्ड फेल्ड, तो क्या बट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एवरी गर्ल अटेंड द क्लास नंदिनी, तो यह क्या एक्सपेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट है डॉग सेल्डम बेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, बार्किंग सेल्डम बेट, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि आई कम इन मैडम, तो मैं आई हो जाएगा, सभी को पता है। इसके बाद द बॉक्स इज वेरी लाइट आई कैन लिफ्ट इट, ठीक है। इसके बाद है सी हैज बीन रीडिंग इन इंग्लिश नॉवल 2 आवर्स, तो इसमें क्या 2 आवर गुजरा, तो ये क्या 4 हो जाएगा। इसके बाद ही इज सेटिंग सीता एंड श्याम, तो इसमें क्या आपको विटामिन कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको क्या डू एच डायरेक्ट करना है। पहले कि सी राइट ए लेटर, तो इसमें क्या चेंज इनटू नेगेटिव में, तो क्या सी डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दे सिंग ए सॉन्ग, तो इसको पैसिव वर्ब बदलना है, तो क्या ए पोएम इज बीइंग सिंग बाय देम। इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि लता ईट्स ए मैंगो, तो क्या चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं, क्या प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा लता हैज ईटन मैंगो। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हेमलता टेक्स कॉपी, तो करेक्ट सेंटेंस करना है, उसमें टक दिया था आपको एस लगा देना, टेक्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद कुंदन विल हेल्प यू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, तो क्या विल कुंदन हेल्प यू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको ये दो दिए हैं कि आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी, तो एज लॉन्ग एज में करना है, तो आपको सिर्फ पहले ये लिख देना है, फिर एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड डोंट नॉट वरी, ठीक है, ये कर लेना है। राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, तो क्या हो जाएगा, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पर आपको देखना है क्या दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिए हुए आपको ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश में, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका हो जाएगा वेयर डू यू लिव, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो क्या हो जाएगा बी मस्ट ऑब आवर पेरेंट्स। इसके बाद सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो द सनसेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद मेरे पास 2 पुस्तक हैं, तो आई हैव 2 बुक, वह गीत गाएगा, तो क्या हो जाएगा ही विल सिंग इज सॉन्ग, और तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सेक्शन सी के बारे में बताया सॉल्व, अब नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी भी आपको बहुत जल्द बता दी जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।